सारे। मैं पहला भी कह चुकी है कि मेरा बादल साहब ना निजी कोई लड़ाई नहीं, ना मेरा कोई ना रोसा, क्योंकि मैं उस परिवार दे विचों बहुत प्यार लिया जी। उन्होंने भी मेरे को बहुत सत्कार लिया जी। इस घर दे विच मैं समझदी हुंदी सी कि ये मेरा भरा है तो वह मेरा बाप है। मेरे समाजी भी कार्य जड़े होंगे सी, मेरी बच्ची के विआह नू वह भी सारा उन्होंने माँ प्यो बन के किया जी। मतलब आप समझिए भी असी सत्कार करते हैं। कोई साल साढ़े 35 साल वो चले जी इतने समागम, 30-35 साल तो कोई बाबा जी का सालाना समागम, कोई रैली, बड़े बादल साहब तो छोटे बादल साहब, बस इस तो वध कोई लीडर आया ही नहीं, मैं कभी बुलाया ही नहीं जी। बस मैं समझती सी मुख्यमंत्री आ गया, प्रधान आ गया तो समझो सारी कौम आ गई, मतलब मेरे दिमाग च यही हुंदा सीगा। मेरा डायरेक्ट उन्हां नाल ही रिश्ता सीगा, मेरा कोई बहुता लीडरशिप दे विच मैं सत्कार करदी सी, ताइयो ते कोई लीडर मेरे नाल ग्रुप बन के तुरिया नहीं। चर्चा भी चलदियां ने कहिंदे बीबी जी खासा नेड़े सीगे। नहीं मैं देखो नेड़े मतलब मैं घरेलू ते किसे दे च नहीं कोई गल कर सकदी सी, ना मैं बहुत पॉलिसियां विच उन्हां नाल कोई दखलअंदाजी करदी सीगी, मैं ते काम करदी सी सिंसीयरली जी। मैनूं इह सीगा कि जो बादल साहब सानूं हुकम लांदे असीं करिए, ते जिथे उह ड्यूटी लांदे असीं करिए, साडा फर्ज बनदा सी हरियाणे भेजो जी चोणां आ गईआं उत्थे चल जाओ, दिल्ली आ गया दिल्ली चल जाओ, जिथे जाना फिर तन मन तोड़ के काम करना, टुट के मर जाना। एक पार्टी दी इज्जत दा सवाल सी ना जी, जी। हुण बादल साहब ने चलो देखो अपनी पार्टी वास्ते ओह चिंतित होए है, चंगी गल है, मैं इहनूं चंगी गल कहनी है कि जे प्रधान साहब नूं अपनी पार्टी दी चिंता लगी है ते बहुत ही इह चंगी गल है कि ओह महसूस करन लग पए है कि जिहड़े भी गए रुस के किसे कारण करके गए होणगे ना जी, कोई ना कोई गल होएगी उहनां दी, ओह रुस के गए, पर मैं रुस के नहीं आई, ना मैं पार्टी छड्ड के आई है। तुसीं नहीं मन्नदे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध विच बिना वजह तो दखलअंदाजी दी सी सियासी तौर उत्ते, ओह गल्लां दा करके ओह गुस्सा किया उन्होंने, तो मैनूं बाहर कढ दित्ता।